ओके सो रिकॉर्डिंग है स्टार्टेड एंड जो असाइनमेंट मैंने आपको आफ्टरनून में दिया था उसका क्वेश्चन नंबर 7 पहले हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम यूनिट सर्कल मेथड में जाएंगे, ठीक है? ओके तो बेटे मैं पहले आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पर एक टर्म कभी कभार यूज होता है, दैट टर्म इज कॉल्ड एंगुलर डायमीटर। एंगुलर डायमीटर एक टर्म यूज होता है कभी कभार, एंगुलर डायमीटर, ठीक है? आपके एनसीईआरटी में यूज नहीं हुआ है लेकिन आरडी शर्मा में यूज हो रहा है एंगुलर डायमीटर। और एंगुलर डायमीटर एक्चुअली है क्या, है ना? देखो सपोज यहाँ पर आपका मून है, ठीक है? सपोज यहाँ पर आपका मून है और यहाँ पर आप हो, ठीक है? ओके ये मून आपके आंखों में एक एंगल बना रहा है, एक एंगल बना रहा है, आप देख सकते हो दिस एंगल। आई थिंक आप सब समझ पा रहे हो मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। वो मून आपके आंखों में एक एंगल बना रहा है, एक एंगल बना रहा है, ठीक है? ये आपका आई है और ये जो एंगल बनता है लेट्स कॉल इट थीटा। ये थीटा जो कि एक एंगल है लेकिन हम उसको बोलते हैं एंगुलर डायमीटर, एंगुलर डायमीटर, याद रखो ये टर्म को बारे में। तो एंगुलर डायमीटर किसे बोलते हैं कि कोई, हाँ यस सर, वो थीटा को एंगुलर डायमीटर क्यों कहते हैं और कुछ नहीं कह सकते? यस क्यों कहते हैं? बिकॉज़ क्योंकि इस थीटा के वैल्यू से ही एस्ट्रोनॉमर को पता चलता है कि जो ऑब्जेक्ट, मतलब जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के बारे में वो डिस्कस कर रहे हैं उसका डायमीटर कितना है, वो आपसे कितना दूरी पर है, वो ये एंगल से पता करते हैं, है ना? ये एंगल से वो मून का डायमीटर निकाल देते हैं, यही एंगल से। तो इसीलिए इस एंगल को बोल रहे हैं एंगुलर डायमीटर। क्या बोल रहे हैं? एंगुलर डायमीटर। गॉट इट? हेलो गॉट इट? ओके यस सर। तो रिमेंबर कोई भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, यस कोई भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हो, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट मतलब जो ऑब्जेक्ट आसमान में होते हैं, स्काई में जो होते हैं, कोई भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हो वो आपके आंखों में जो एंगल बनाता है या फिर अर्थ के कोई भी पॉइंट पर जो एंगल बनाता है दैट एंगल इज कॉल्ड एंगुलर डायमीटर। सो डू नॉट फॉरगेट दिस टर्म। ओके ओके तो आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 को जरा पढ़ते हैं। दे रखा है टेकिंग द मून्स डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ एज 360,000 किलोमीटर। सो डिस्टेंस फ्रॉम मून टू अर्थ आपको दे रखा है 360,000 किलोमीटर और दे रखा है एंड द एंगल सबटेंडेड बाय द मून एट एनी पॉइंट ओ ऑन द अर्थ इज हाफ ए डिग्री। सो लेट्स से दिस इज माई मून, लेट्स से दिस इज माई मून, ओके लेट्स से दिस इज माई मून एंड हियर यू आर, सपोज दिस इज आवर अर्थ, दिस इज आवर अर्थ एंड यू आर समवेयर हियर, यू आर समवेयर हियर और वो बोल रहा है कि वो मून आपके आंखों में हाफ डिग्री एंगल बना रहा है। मून जो है आपके आंखों में हाफ डिग्री एंगल बना रहा है, ये एंगल 1/2 डिग्री। गॉट इट? हेलो गॉट इट? ओके यस सर। कभी कभार, यस कभी कभार, कभी यस कभी कभार वो हाफ डिग्री ना देके बोलेगा 30 मिनट। 30 मिनट को आप कन्वर्ट करोगे तो डिग्री में हाफ डिग्री हो जाएगा, बिकॉज 60 मिनट एक डिग्री होता है तो 30 मिनट हाफ डिग्री आधा डिग्री है ना बेटे, एक डिग्री का आधा। तो ये मून आपके आंखों में आधा डिग्री बना रहा है, ठीक है, हाफ डिग्री बना रहा है। और क्वेश्चन में पूछा है, हाँ, और आप अर्थ से मून का दूरी भी दे दिया है 360,000 किलोमीटर और सवाल पूछा है कि मून का डायमीटर कितना बताओ, मून का डायमीटर कितना बताओ। सॉरी एक सेकेंड, हाँ तो सवाल में पूछा है आपको मून का डायमीटर कितना बताओ, ठीक है? ये डायमीटर सपोज इसका नाम में देते हैं AB, आपको AB का लेंथ पूछा है। गॉट इट? ओके यस सर, यस सर। ओके तो बेटा एक चीज याद रखो, मून आपसे बहुत दूरी पर है ना, हालांकि मैं यहाँ पर ब्लैकबोर्ड में इसे बना रहा हूँ बट मून आपसे बहुत दूरी पर होता है, बहुत दूरी, 360,000 किलोमीटर। ओके और मेरा मून यहाँ पर इतना बड़ा मैं बनाया हूँ लेकिन आपका आंखों को इतना बड़ा मून थोड़ी ना दिखेगा, बहुत छोटा मून दिखेगा, है ना? और ये जो मून का डायमीटर, आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो कि आप एक सर्कल का सेंटर हो, आप एक सर्कल का सेंटर हो और ये जो मून का डायमीटर
एक आर्क है, ये जो मून का डायमीटर एक आर्क है, कौन सा आर्क का, एक सर्कल का एक आर्क है, और वो आर्क का और वो सर्कल का सेंटर आप हो, मेरा बात समझ रहे हो, वो सर्कल का सेंटर आप, यू आर द सेंटर ऑफ द सर्कल, यू आर द सेंटर ऑफ द सर्कल, और जो मून का डायमीटर है फिलहाल वो एक स्ट्रेट लाइन है, राइट, मून का डायमीटर स्ट्रेट लाइन है, तो सर्कल का आर्क कैसे बनता है, देखो बेटे मून आपसे इतना दूरी पर है, इतना दूरी पर है कि उसका जो डायमीटर ये इतना बड़ा सर्कल का जो कि स्ट्रेट लाइन है फिर भी एक आर्क तरह की हो जाएगा। जैसे कि आप इमेजिन करो, सपोज एक सर्कल का एक आर्क है, राइट, आप अगर इसका यहाँ से यहाँ तक देखो तो एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिखता है कि नहीं बेटे, एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिखता है कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक हिस्सा, यस सर, बस बस। तो वही आप इमेजिन करो कि मून आपसे बहुत दूरी पर है, मैं ये डायग्राम एक्चुअली गलत बनाया हूँ क्योंकि मून मैंने बहुत बड़ा बना दिया, छोटा बनाना चाहिए था ताकि उसका डायमीटर आपको पता चल जाए कि एक बहुत बड़ा सर्कल का एक आर्क है, एक बहुत बड़ा सर्कल का एक अप्रोक्सीमेट आर्क है, ये जो सर्कल मैंने रेड सर्कल बनाया हूँ, एंड वो रेड सर्कल का सेंटर कौन है, आप खुद हो, मेरा बात समझ गया, आई होप, ओके, यस सर, ओके, यस सर, यस सर। तो ये जो मून का डायमीटर है वो एक आर्क है जिसका लेंथ हमें निकालना है, और मून का जो अर्थ से डिस्टेंस दे रखा है ना, डिस्टेंस दे रखा है, दैट इज 360,000 किलोमीटर, राइट, मतलब ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, और ये सर्कल का एक आर्क है, तो ये डिस्टेंस जो रेड डॉटेड में बना रहा हूं, ये डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये सब इक्वल होंगे, है ना बेटे, क्योंकि रेडियस, मेरा बात समझ रहे हो ना, रेडियस, रेडियस, यस सर, यस, दे आर रेडियस, राइट, ओके। तो ये जो सब मून का आपसे जो दूरी है, ये जो डिस्टेंस दे रखा है, दैट इज योर 360,000 किलोमीटर्स, दैट इज योर द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ दिस ह्यूज सर्कल, ये जो रेड सर्कल में बनाया हूँ, ये रेड सर्कल का ये रेडियस का लेंथ है, गॉट इट, आप देख सकते हैं डायग्राम से, ओके। तो बेटे आपको रेडियस पता है, ये एंगल थीटा पता है, यस, गुड इवनिंग, ये एंगल थीटा पता है, आर पता है, आपको एल चाहिए, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, राइट सर, ओके, यस सर, ओके। तो बेटे आपको थीटा कितना दे रखा है, हाफ डिग्री, लेकिन मुझे फॉर्मूला में डालने के लिए मेरा थीटा रेडियन में चाहिए, है ना बेटे, तो मैं क्या करूँगा कि इस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करूँगा, और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बस पाई अपॉन 180 उसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मेरा हाफ डिग्री आ जाएगा मेरा रेडियन, ओके, पाई बाई 360, ओके, पाई बाई 360, सो दिस इज इक्वल टू पाई बाई 360 रेडियन, और रेडियस दे रखा है 360,000, राइट, दिस किलोमीटर्स, एंड वी वांट टू फाइंड एल, एल इज इक्वल टू व्हाट, आर टाइम्स थीटा, आर टाइम्स थीटा, एंड व्हाट इज आर, आर इज 3 लाख, राइट, दिस into what is theta, arc will be equal to the unit of the radius, that is the unit of L will be equal to what, kilometers, and if you just divide this, what do you get, 1000, right, 1000, right, 1000, so the distance, the diameter of the moon will be equal to 1000 pi kilometers, aur sawal mein hame de nahi, ye nahi pucha hai, ये नहीं बोला है कि पाए को यूज करो, हाँ दिया है, यस यस, इट इज गिवन, यस इट इज गिवन, ओके, गिवन गिवन, सवाल में दे दिया है कि पाए के जगह 3.141 6 आपको यूज करना है, ठीक है,
तो ये एल कितना हो जाएगा, एल मेरा अभी 1000 इंटू 3.1416 विच विल बी इक्वल टू डेसिमल पॉइंट, तीन नंबर ये कर दो तो 3141.6 किलोमीटर्स। और जैसे कि आपको पता चल चुका है कि ये जो आर्क का लेंथ है दैट इज इक्वल टू द रेडियो, दैट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द मून, राइट। ये जो आर्क का लेंथ है वो मून का डायमीटर के साथ बराबर है ना बेटे, अप्रोक्सीमेटली बराबर है, अप्रोक्सीमेटली। लेकिन इतना 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 नज़दीक सा बराबर होगा कि आप उसको इग्नोर कर सकते हो, कुछ थोड़ा सा बस डेसिमल कुछ मतलब इधर उधर हो जाएगा, लेकिन अप्रोक्सीमेटली इतना ही आएगा, है ना बेटे। तो दिस इज द डायमीटर ऑफ द मून, द डायमीटर ऑफ द मून इज इक्वल टू, मैं आपको डिटेल में इतना अच्छे से क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम तक आपको याद रहे, क्योंकि मतलब एग्जाम तो क्या जिंदगी भर याद रहे, क्योंकि कभी अगर आप ये मौका आए आप कभी कोई स्टूडेंट को पढ़ाओ तो उस टाइम में आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा, आर डी शर्मा ढूंढना पड़ेगा, आर एस अग्रवाल ढूंढना पड़ेगा। लेकिन अभी से अगर ये कॉन्सेप्ट डिटेल से मालूम हो जाए तो उस टाइम में आपको बहुत कम मेहनत में स्टूडेंट को पढ़ा के आप इनकम कर लोगे, है ना बेटे। ओके लेट मी इरेज इट। यस सर। ओके देखो एक और बार हाँ यस ओ गया 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 भाई, तू मुझे बोला ना, बोलना चाहिए था ना। अच्छा तो और एक क्वेश्चन उसी तरह का हम करते हैं बेटे, क्वेश्चन नंबर 12 जो कि दे रखा है, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द आई एट व्हिच ए कॉइन ऑफ अ डायमीटर 2 सेंटीमीटर शुड बी हेल्ड सो एज टू कंसील द फुल मून हुज एंगुलर डायमीटर इज 31 डिग्री। एक्चुअल उसको सॉरी 31 मिनट लिखा है, उसको 30 मिनट कर दो, ठीक है 30 मिनट कर दो, गलती से 31 मिनट लिखा है, या फिर 31 मिनट लेकर काम चला दे, नहीं उसको 30 मिनट कर दो। ओके ले देखता हूँ मैं 12 क्वेश्चन और 12 में, हाँ यस उसको 31 करके चला है। ओके यस 31 करके चला। हाँ तो मैं बेटा आपको सवाल समझा देता हूँ, यहाँ पर आपका मून है, यहाँ पर आपका मून है ठीक है, और यहाँ पर आप खड़े हो अर्थ पे, यहाँ पर आप खड़े हो ठीक है। ओके तो मून ऐसे आपके आंखों में एक एंगल बना रहा है, एंगल बना रहा है यहाँ पर, और सवाल पूछा है कि आप कितने आपके आंखों से कितने डिस्टेंस में एक कॉइन रखोगे सो दैट पूरा का पूरा मून मतलब आप मतलब वैनिश हो जाए, मेरा बात समझ रहे हो, आपके आंखों से कितना दूरी पर एक कॉइन रखोगे, दिस इज अ कॉइन रिमेंबर दिस इज अ कॉइन हियर, आपके आंखों से कितना दूरी पर एक कॉइन रखोगे, कितना दूरी पर एक कॉइन रखोगे ताकि कॉइन पूरा का पूरा मून को हाइड कर दे, कंसील कर दे, मेरे पास समझ लो, कंसील मतलब होता है हाइड, कंसील एक वर्ब होता है उसका मतलब होता है हाइड, आई होप यू गेट इट राइट। ओके और सवाल में हमें इंफॉर्मेशन दे रखा है मून का एंगुलर डायमीटर, मून का एंगुलर डायमीटर, और जैसे कि मैंने बेटे बताया था एंगुलर डायमीटर क्या होगा, मून जो यस मून जो एंगुलर डायमीटर ऑफ द मून, नहीं 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 डायमीटर ऑफ द मून नहीं, एंगुलर डायमीटर का मतलब है मून आपके आंखों में जो एंगल बना रहा है दैट इज कॉल्ड एंगुलर डायमीटर, अभी समझा था, मून आपके आंखों में जो एंगल बना रहा है ये एंगल दिस एंगल लेट दिस एंगल बी थीटा, ये है एंगुलर डायमीटर, दिस इज कॉल्ड योर हार्ट एंगुलर डायमीटर, एंगुलर डायमीटर जो कि आपको दे रखा है 31 मिनट। अगर मैं उसको डिग्री में कन्वर्ट कर दूं तो एक मिनट होता है क्या 1/60 डिग्री, तो 31 मिनट क्या होगा 31/60 डिग्री राइट डिग्री। ओके यस सर, रेडियन में बोले तो 31/60 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन राइट। ओके अब देखो उसने पूछा है कि कॉइन को आपको आपके आंखों से कितना दूरी पर आपको रखना है, मतलब ये लेंथ, ये लेंथ आपको ए बी लेंथ पूछा है बेटे, ए बी पूछा है, मेरे पास समझ रहे हो सर, आपने तो बोला वो 30 लेने के लिए, नहीं नहीं 31 लेके चलो, 31 लेके चलो, क्योंकि मैंने देखा है वो 31 लिया है, मुझे लगा कि 30 लेना चाहिए लेकिन 31 से भी हो लिया है ठीक है, तो ये एंगल एंगल है 31 मिनट। ओके
तो आप जरा बेटे एक बात सुनो, और आपको क्या दे रखा है कि कॉइन का डायमीटर दे रखा है 2 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ द कॉइन, डायमीटर ऑफ द कॉइन इज गिवन टू बी 2 सेंटीमीटर। मतलब मैं दिखाता हूँ, ये जो ब्लू लाइन है, बहुत छोटा सा लाइन, ये ब्लू लाइन बेटे समझ रहे हो, ब्लू लाइन इसको मैं पी क्यू बोल रहा हूँ, ये पी क्यू का लेंथ आपको दे रखा है 2 सेंटीमीटर। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। और बेटे देखो ये कॉइन ये कॉइन बहुत छोटा है, कॉइन बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा। और आप अगर इमेजिन करो, आप खुद एक सर्कल के सेंटर हो, और ये कॉइन का जो डायमीटर है एक सर्कल का आर्क है। आप इमेजिन करो कि एक सर्कल है और उसका सेंटर आप हो, उसका सेंटर आप हो और कॉइन का डायमीटर एक आर्क है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ओके, तो जो एबी लेंथ आपको पूछ रहा है, yes, sir. जो एबी लेंथ आपको पूछ रहा है, डिस्टेंस ऑफ द कॉइन फ्रॉम योर आई, दैट इज इक्वल टू रेडियस। आप देख सकते हो दैट इज इक्वल टू रेडियस। और कॉइन का जो डायमीटर दे रखा है, दैट इज योर आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क एल, दैट इज योर 2 सेंटीमीटर। एंड दिस एंगल थेटा ऑलरेडी यू नो इज इक्वल टू, क्योंकि देखो बेटे मूल, और एक बात, कौन सा पॉइंट रिपीट करूं, वो रेडियस वाला, रेडियस, यस। आप जैसे बेटे देख सकते हो कि ये जो ए बी है, मैं ए बी लिखा हूं, देखो ए बी, ये जो ए बी मतलब आपके आंखों से कॉइन का जो डिस्टेंस, कॉइन का जो डिस्टेंस, ये येलो लाइन, ये जो येलो लाइन बीच में, जो येलो लाइन आपके आंखों से कॉइन का डिस्टेंस, वो ये जो बड़ा सर्कल में बनाया हूं उसका एक रेडियस है ना बेटे, दैट इज ए रेडियस, राइट? Got it or not? Yes sir. Yes sir. मतलब हमें पॉइंट लेके एक सर, हमें और कॉइन को पॉइंट लेके एक सर्कल बनाना जिसमें हम रेडियस। बस। मैं यही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। Imagine your eye to be the center of a circle. Where the diameter of the coin is an arc. I think now you get it, right? Okay. और ये थीटा हमें दे रखा है, थीटा का वैल्यू हमें दे रखा है 31/60 इंटू π/180 रेडियन। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, या फिर किसी को नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि क्लास इफेक्टिव होने के लिए सबको समझना चाहिए। और मुझे r चाहिए, r इज इक्वल टू l अपॉन थीटा, वी नो दैट बिकॉज थीटा इज इक्वल टू l अपॉन r, सो r इज इक्वल टू l अपॉन थीटा। And unit of R will be equal to unit of L. What is L right now? 2. And what is theta? 31/60. 60 will go up, right? Pi upon 180. 180 will go up, right? Hello. Yes, sir. Oh. Yes, sir. Oh. Yes, sir. Yes, sir. Okay. This much centimeter. Because the radius unit is equal to unit of the R. So now you just have to calculate this. And here it has asked you to use, one second, मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ ये क्या यूज़ करने के लिए बोला है। आपको ये बोला है कि आप पाई के जगह, यस, पाई के जगह 22/7 यूज़ करो। वो आपको दे रखा है पाई के जगह 22/7 यूज़ करो। तो मैं यूज़ करता हूँ 2 × 60 × 180 डिवाइडेड बाई 31 × पाई के जगह अगर 22 यूज़ किया जाए तो ऊपर 7 चला, 22/7 यूज़ किया जाए, पाई का जगह अगर 22/7 यूज किया जाए तो 7 ऊपर चला जाएगा, है ना बेटे? गॉट इट? ओके सर। ओके, तो ये वैल्यू को जब आप कैलकुलेट करोगे, तो ये अप्रोक्सीमेटली आएगा आपका 756, हाँ 756, देन डबल जीरो, देन डिवाइड बाई 341। वन सेकेंड, हाँ बाबा, ओके। तो गाइस इसको आप जब करोगे यही वैल्यू आपका आएगा, इतना सेंटीमीटर। हाँ, यस, 22, देखो इतना सेंटीमीटर आया, अगर इसको आप मीटर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 756/341 मीटर, है ना बेटे, मीटर हो जाएगा, और अप्रोक्सीमेटली आएगा 2.22 मीटर नियरली आपका ये आया होगा शायद। यस सर। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, हेलो, सबको समझ में आया मेरा बात? हेलो,
ओके। और बेटा ये जो रेडियस आपका निकल के आया है, दैट रेडियस इज एक्चुअली व्हाट, डिस्टेंस ऑफ द कॉइन फ्रॉम योर आई, सो दैट द कॉइन कैन कंप्लीटली हाइड द मून, आर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द कॉइन फ्रॉम योर आई, सो दैट द कॉइन कैन कंप्लीटली कंसील द मून और हाइड द मून। ओके, सो द डिस्टेंस ऑफ द कॉइन फ्रॉम योर आई, डिस्टेंस ऑफ कॉइन फ्रॉम योर आई इज इक्वल टू 2.22 meter। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, वन सेकेंड, अरे बहुत छोटा हो गया, हाँ यस, नाउ टेक इट, गॉट इट, डन सर, ओके, नाउ गाइस म्यूट योरसेल्फ, म्यूट योरसेल्फ, म्यूट योरसेल्फ। सो हाँ, अब देखो मैं क्वेश्चन नंबर 8 भी दिखा देता हूँ, मुझे पता है आप सब कर लोगे क्वेश्चन नंबर 8, कि दे रखा है एक ट्रायंगल है जिसका तीन एंगल का रेशियो है 3:4:5। सपोज एक एंगल एबीसी एंगल है जिसका तीन एंगल का रेशियो ए एंगल इज टू बी एंगल इज टू सी एंगल, उसने दे रखा है 3:4:5। अभी देखो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मैंने लिखा ए ए इज टू बी इज टू सी, आप लिख सकते हो बी एंगल इज टू ए एंगल, कोई उससे कोई मतलब नहीं, मेरा उससे कोई मतलब नहीं, एंगल का तीन वर्टिसेस क्या क्या है मुझसे उसको ही मतलब, पी क्यू आर लो, आर एस जेड लो, जो भी लो, ठीक है ना, तीन एंगल का रेशियो है। और दे रखा है कि फाइंड सर, हाँ यस, लीस्ट पाई बाय फोर, हाईएस्ट पाई बाय टू, यस, ये तो अब तो स्कूल में ये किए होगे, पूरा नाइन्थ क्लास में किए होगे, यस सर, कि जो तीन एंगल है हम ले सकते हैं, लेट एक उनमें से 3x डिग्री, दूसरा सपोज है 4x डिग्री, तीसरा सपोज है 5x डिग्री, और ऐसा मैं क्यों ले रहा हूँ, ताकि उनका रेशियो 3:4:5 रहे। एंड वी ऑल्सो नो दैट देयर सम इज इक्वल टू 180 डिग्री, यस सर, 180। इसका मतलब है कि ये जो 3x + 4x + 5x दैट इज इक्वल टू 180, मैं डिग्री उठा देता हूँ, 15 you can convert these angles into radian, right, by yourself, okay, so yes, this is all, mute yourself, this is all, and the rest of the questions are very easy and most of them I have already solved in the morning, okay, so dekh sakte ho, to chalte hain unit circle method ke upar, ha bete, okay, let me erase this, okay, you can take the screenshot and I'll let me erase this, okay, to unit circle डिस्कस करने से पहले, यूनिट सर्कल एक्सप्लेनेशन डिस्कस करने से पहले, देर आर सम टर्म्स दैट यू नीड टू अक्वेंट योर सेल्फ विथ, और मैं वो टर्म्स को आपको बताता हूँ क्या क्या है। फर्स्ट टर्म है आपका क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट एक टर्म है बेटे, और मैं ये क्वाड्रेंट के बारे में कल फिर से लिखाऊंगा, लेकिन ब्रीफली, जितना आपका सिलेबस में उतने समझाऊंगा, लेकिन अभी हम डिटेल में देखेंगे क्वाड्रेंट चीज़ क्या होता है। देखो बेटे, सपोज मैं म्यूट करो, अपने को म्यूट कर लो, दिस इज माई वाई एक्सिस एंड दिस इज माई एक्स एक्सिस, दिस इज योर पॉजिटिव एक्स, दिस इज योर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज योर नेगेटिव एक्स एक्सिस, दिस इज योर पॉजिटिव वाई एक्सिस, दिस इज योर नेगेटिव वाई एक्सिस, राइट, बॉटम हाफ इज नेगेटिव वाई एक्सिस, टॉप हाफ इज पॉजिटिव वाई एक्सिस, राइट हाफ इज पॉजिटिव वाई एक्स एक्सिस, लेफ्ट हाफ इज नेगेटिव एक्स एक्सिस। The reason, and this is the origin, right? This is the origin O, right? The reason between OX, the reason between OX and OY is called first quadrant, is called first quadrant. बेटे ध्यान से सुनो मैं जो बोल रहा हूँ,
ओ एक्स एंड ओ वाई, मतलब ये ओ एक्स एंड ओ वाई आप देख सकते हो, ओ एक्स ओ वाई, ये ओ एक्स है और ये ओ वाई है, इन दोनों के बीच में ये जो रीजन है, इस रीजन को हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, शॉर्ट में बोलते हैं Q1। आई होप यू गॉट इट। जो रीजन है, जो एरिया है, उसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट या फिर बोलते हैं Q1, राइट? यस सर। ओके ओके, म्यूट योर सेल्फ, म्यूट योर सेल्फ, म्यूट योर सेल्फ। एंड मैंने मैंने ये वर्ड यूज किया हूँ कि ओ एक्स एंड ओ ए के बिटवीन वर्ड यूज किया हूँ, ओ एक्स एंड ओ ए के बिटवीन वर्ड यूज किया हूँ। तो याद रखो, ये जो ओ एक्स एंड ओ ए ओ वाई, ओ एक्स एंड ओ वाई, ये इस क्वाड्रेंट के पार्ट्स नहीं है, दे आर नॉट पार्ट्स ऑफ द क्वाड्रेंट। उनके बिटवीन जो रीजन है, दैट इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट। खुद एक्सिस क्वाड्रेंट का पार्ट नहीं होता, ओ एक्स एंड ओ वाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं जाते हैं, दे आर नॉट पार्ट्स ऑफ दैट क्वाड्रेंट। ओके, इनफैक्ट एक्सिस आर नॉट पार्ट्स ऑफ एनी क्वाड्रेंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकेंड क्वाड्रेंट। सी द रीजन, द रीजन बिटवीन ओ वाई एंड ओ एक्स डैश, ओ एक्स डैश इज कॉल्ड सेकेंड क्वाड्रेंट, शॉर्ट में बोलते हैं उसको Q2। दिस रीजन, यू सी दिस रीजन, दिस रीजन, दिस इज कॉल्ड सेकेंड क्वाड्रेंट, लेट मी राइट इट Q2। आई होप यू गॉट इट, राइट? एंड रिमेंबर ओ वाई एंड ओ एक्स डैश दे आर नॉट पार्ट ऑफ द सेकेंड क्वाड्रेंट, क्योंकि एक्सिस क्वाड्रेंट का पार्ट नहीं होता है। उसी हिसाब से आप पता कर लो, मैं अगर नीचे लिखता हूँ कि द रीजन बिटवीन, शॉर्ट में लिखता हूँ बेटे, ओ एक्स डैश एंड ओ वाई डैश इज कॉल्ड थर्ड क्वाड्रेंट, शॉर्ट में उसको बोलते हैं Q3। ये रीजन मैं डायग्राम को और एक बार बना देता हूँ, यहाँ पर छोटा सा बना देता हूँ क्योंकि वो बहुत गंदा हो गया। Y, Y डैश, X डैश, हद तेरी का। ओके, दिस इज माय X डैश, दिस इज माय X, अरे Y डैश है, ठीक है, Y1 नहीं, Y डैश। ओके, हाँ, तो इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट 1, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट 2, और ये जो रीजन है इसको बोलेंगे क्वाड्रेंट 3। क्वाड्रेंट 1 सर, हमने क्वाड्रेंट 2 लिख लिया। ओह सॉरी 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 सॉरी, दिस क्वाड्रेंट 1। ओके, एंड ये जो रीजन है इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट 4। द रीजन बिटवीन ओ एक्स एंड ओ वाई डैश इज फोर्थ क्वाड्रेंट, इज फोर्थ क्वाड्रेंट, शॉर्ट में बोलते हैं Q4। आई होप यू गॉट इट। एंड लास्ट में बताता हूँ, लास्ट में बताता हूँ नोट्स में, नोट नोट, रिमेंबर रिमेंबर एक्सिस, एंड व्हाट इज एक्सिस, रिमेंबर गाइस, एक्सिस एक्सिस इज सिंगुलर, एक एक्सिस को हम एक्सिस बोलते हैं सिंगुलर, और उसके आई को हटा के अगर मैं ई लिख दूं तो ये होता है एक्सी ज। रिमेंबर दोनों का प्रोनाउंसिएशन बस इतना ही अंतर है, इसका लास्ट में होता है स, इसका लास्ट में होता है ज, एक्सी ज। ओके, दिस इज प्लूरल, रिमेंबर दिस इज प्लूरल, मतलब आई एक्सिस एक्स एक्सिस दोनों को प्लूरल बोला। ओके, सो रिमेंबर एक्सिस आर नॉट पार्ट्स ऑफ एनी क्वाड्रेंट, एनी एनी क्वाड्रेंट। मैं जब दफ्तर में लिखता हूँ तो हैंड राइटिंग खराब हो जाता है। ओके, नाउ यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट, नाउ यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट, वन सेकेंड, यस टेक द स्क्रीन शॉट, डन, यस सर, हो गया। ओके ठीक है, और बेटे याद रखो आप क्वाड्रेंट चेंज नहीं कर सकते अपने हिसाब से, जो क्वाड्रेंट वन है वही क्वाड्रेंट वन रहेगा, जो टू है वही टू रहेगा, जो थ्री है वही थ्री, जो फोर वही फोर, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। गॉट इट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट यूनिट सर्कल।
लेट्स टॉक अबाउट यूनिट सर्कल एंड व्हाट इज ए यूनिट सर्कल. रिमेंबर ए सर्कल विथ रेडियस 1 यूनिट इज कॉल्ड अ यूनिट सर्कल. अ यूनिट सर्कल, अगर कोई सर्कल का रेडियस 1 यूनिट है. अभी यूनिट क्या है, यूनिट आप कुछ भी ले सकते हो, 1 मिलीमीटर हो सकता है, 1 सेंटीमीटर हो सकता है, 1 किलोमीटर हो सकता है, वट एवर, एज लॉन्ग एज द मैग्नीट्यूड इज 1. तो इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 1 यूनिट लेंथ देन इट इज कॉल्ड अ यूनिट सर्कल. दिस इज अ यूनिट सर्कल. व्हाई? बिकॉज इट्स लेंथ ऑफ इट्स रेडियस इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 1 यूनिट. आई होप यू गॉट माई पॉइंट. ओके, यस सर. ओके, नाउ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. नाउ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. डन? ओ यस सर, हो गया. ओके, सो लेट मी इरेज दिस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टैंडर्ड एंगल. लेट्स टॉक अबाउट स्टैंडर्ड एंगल, वेरी इंपॉर्टेंट. स्टैंडर्ड एंगल जो बना बताने जा रहा हूँ बेटे, ये सब एनसीईआरटी में इतना कुछ नहीं देता है, स्टैंडर्ड एंगल वगैरह नहीं देता है, लेकिन आपको ये टर्म के साथ एक्वेंट होना जरूरी है ताकि आप एंट्रेंस के लिए जब प्रिपेयर करो तो आपको कोई तकलीफ ना हो. बेटे देखो, स्टैंडर्ड एंगल क्या होता है. लेट मी फर्स्ट ड्रॉ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. दिस इज एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, एंड हियर इज माई ऑरिजिन. An angle that has OX as its initial side is called a standard angle. Standard angle whose vertex is origin, O. So let me explain it to you what it means. वो बोल रहा है कि एक angle जिसका initial side, angle का initial side मतलब जो side से rotate करना शुरू करते हो, अगर कोई angle का initial side पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ओ एक्स मतलब क्या होता है बेटा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ओ एक्स, ओ एक्स यहाँ से याद है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एंड उसका जो वॉर्टेक्स अगर ओरिजिन है, अगर कोई एंगल का इनिशियल साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंड उसका वॉर्टेक्स ओरिजिन है, तो उस तरह का एंगल को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड एंगल. जैसे कि आप देख सकते हो बेटे, सपोज ये मेरा जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इसी को मैं इनिशियल साइड मानता हूँ और यहाँ से रोटेशन शुरू करता हूँ, और रोटेशन शुरू करके सपोज कहीं पर आके पहुँचा, डजेंट मैटर वेयर आई रीच, एंगल क्या है, इनी टर्मिनल साइड कहाँ पर है वो मैटर नहीं करता, इट डजेंट मैटर वेयर द टर्मिनल साइड इज, ऑल आई केयर अबाउट नाउ इज कि माय इनिशियल साइड शुड बी द पॉजिटिव एक्स एक्सिस. एज लॉन्ग एज माय इनिशियल साइड इज द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, आई शैल कॉल दैट एंगल अ स्टैंडर्ड एंगल. And remember, the vortex of the angle must be the origin. That is, the ray must rotate about the origin. The ray must rotate about the origin. Like here you see, the ray has rotated about the origin. Now do not worry about the terminal side. The initial side should be on the positive x-axis. You can make any angle. For example, I rotated, and I reached here. So this is my terminal side, because after rotation, wherever your the final position of the ray is, that is called your terminal side. मैंने घूमने के बाद कितने बार घूमा, it doesn't matter. Exaggerate करने के लिए मैंने दे रखा हूँ, कितने बार आप घूम सकते हो, इन्फाइनाइट टाइम्स आप घूम लो, जहाँ पर आके घूमना खत्म होगा दैट साइड इज कॉल्ड टर्मिनल साइड. और ये जो भी एंगल बना है, ये जो ब्लू एंगल, कितना बड़ा एंगल आप सोच सकते हो, ब्लू एंगल जो है ना, क्योंकि इसमें एक
दो, एक फिर दो, दो कंप्लीट रेवोल्यूशन हुआ है, आप देख सकते हो टू कंप्लीट रेवोल्यूशन हुआ है, और टू कंप्लीट रेवोल्यूशन के बाद कुछ एक्स्ट्रा एंगल हम घूमे हैं, मतलब और ये एक नेगेटिव एंगल भी है, नेगेटिव एंगल बिकॉज हम क्लॉकवाइज रोटेशन किए हैं बेटा, देख सकते हो हम क्लॉकवाइज रोटेशन किए हैं, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ओके यस सर, यस सर, यस सर, ओके यस सर। ओके, तो ये जो भी एंगल बना होगा, आई डोंट केयर व्हाट एवर दैट एंगल इज, लेट्स कॉल इट माइनस अल्फा, जो भी एंगल बना है नेगेटिव एंगल, सो आई एम कॉलिंग इट माइनस अल्फा, व्हाट एवर एंगल इट इज, बस मुझे तो ये इससे मतलब है कि मैंने जब घूमना शुरू किया था, कहाँ से घूमना शुरू किया था, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से घूमना शुरू किया था, कहाँ से घूमना शुरू किया था, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज माई इनिशियल साइड, एंड दैट इज वाई आई शैल कॉल दिस ब्लू एंगल अ स्टैंडर्ड एंगल, आई शैल कॉल दिस ब्लू एंगल अ स्टैंडर्ड एंगल। अगर कोई भी एंगल का इनिशियल साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो हम उसको स्टैंडर्ड एंगल बोलते हैं। आई होप यू गॉट इट, या फिर और डिस्क्राइब करो। ओके, एंड रिमेंबर इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिमेंबर मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम, लाइक 99% ऑफ द टाइम, आई थिंक 100% ऑफ द टाइम, वी यूज स्टैंडर्ड एंगल, वी यूज स्टैंडर्ड एंगल, हमेशा हम स्टैंडर्ड एंगल लेके ही सब कुछ करते हैं, मतलब हमेशा हम जब भी रोटेशन शुरू करते हैं, जब भी हम घूमना शुरू करते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से घूमना शुरू करते हैं, और किसी एक्सिस से घूमना शुरू नहीं करते हैं, ना तो पॉजिटिव वाई एक्सिस से कभी घूमते हैं, ना तो कभी नेगेटिव एक्स एक्सिस से, ना तो कभी नेगेटिव वाई एक्सिस से हम घूमना शुरू करेंगे, हमेशा जब भी घूमना शुरू करेंगे, जब भी एंगल का क्रिएशन होगा, जब भी रोटेशन क्रिएट होगा, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्रिएट होगा। आई होप यू गॉट इट, नाउ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, नाउ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, वन सेकेंड, वन सेकेंड। हाँ यस सर, कैन यू अगेन एक्सप्लेन स्टैंडर्ड एंगल, आई कुडंट हियर यू। अरे ओके, ब्रीफली लेट मी जस्ट टेल यू ब्रीफली, डोंट वरी, वीडियो वीडियो इज बीइंग रिकॉर्डेड, बट लेट मी टेल यू ब्रीफली, क्या है कि कोई भी एंगल का अगर इनिशियल साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, कोई भी एंगल का अगर इनिशियल साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो हम बोलते हैं उसको स्टैंडर्ड एंगल, एनी एंगल जिसका पॉजिटिव, जिसका इनिशियल साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, कोई भी एंगल, ये मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये अगर मेरा इनिशियल साइड है, एंगल जो भी हो आई डोंट केयर, जो भी एंगल हो आई डोंट केयर, बस ये जब तक मेरा इनिशियल साइड है, ये जो एंगल क्रिएट हो रहा है, दिस एंगल अल्फा बोलता हूँ इसको थोड़ी देर के लिए, दिस अल्फा इज एन इज अ स्टैंडर्ड एंगल, क्योंकि इसका इनिशियल साइड इज द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। आई होप यू गॉट इट, यस सर। ओके, तो नाउ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड लेट्स मूव ऑन, डन। ओके यस सर, ओके, सो लेट्स मूव ऑन नाउ। ओके, नाउ हाउ टू नो इन व्हिच क्वाड्रेंट योर एंगल इज, योर इन व्हिच क्वाड्रेंट योर एंगल इज, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका एंगल कौन सा क्वाड्रेंट में है, मैं पहले लिख लेता हूँ, मतलब मैं पहले लिख देता हूँ, आंसर लिख देता हूँ, द क्वाड्रेंट इन व्हिच द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल लाई इज द क्वाड्रेंट ऑफ द एंगल, इज द क्वाड्रेंट ऑफ द एंगल। तो देखो बेटे, मैंने क्या लिखा हूं कि कोई भी एंगल का क्वाड्रेंट क्या, सपोज आपको कोई पूछेगा कि ये, सपोज आपको कोई पूछ लेगा कि बेटे बताओ 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में है, 235 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में है, ये सपोज आपको कोई पूछता है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि देखो बेटे एंगल का टर्मिनल साइड जो क्वाड्रेंट में होता है वही उस एंगल का क्वाड्रेंट है। फिर से बोल रहा हूं, एंगल का टर्मिनल साइड जिस क्वाड्रेंट पे लाई करता है दैट इज द क्वाड्रेंट ऑफ द एंगल, और
द एंगल लाइज इन दैट क्वाड्रेंट. लेट्स से एज यू नो दैट वी ऑलवेज स्टार्ट रोटेटिंग फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस. वी ऑलवेज ऑलवेज नो मैटर व्हाट ऑलवेज स्टार्ट रोटेटिंग फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस. सपोज आफ्टर दिस मच रोटेशन आई रीच्ड हियर एंड नाउ दिस इज माय टर्मिनल साइड बिकॉज दिस इज द फाइनल पोजिशन ऑफ माय एंगल एंड दिस इज माय एंगल दैट हैज बीन क्रिएटेड. वट एवर द एंगल इज आई डोंट केयर बट यू सी माय एंगल इज राइट नाउ इन सेकेंड क्वाड्रेंट. हाउ डू आई नो सो? बिकॉज मेरा जो एंगल का टर्मिनल साइड है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में मौजूद है. आप देख सकते हो मेरा क्वाड्रेंट का टर्मिनल साइड कौन से मेरा जो एंगल है मेरा एंगल का टर्मिनल साइड कौन से क्वाड्रेंट में है बेटे? क्यू टू में है ना, क्यू टू में सेकेंड क्वाड्रेंट. एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई शैल से कि मेरा जो एंगल बना है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है. आई होप यू गॉट इट. हेलो ओके ओके. अब बेटे देखो मैं और एक एंगल बना रहा हूं, जानबूझकर ऐसा आपको घुमा फिरा के दे रहा हूं क्योंकि आप समझ सको, क्योंकि आप सिर्फ समझ लोगे कि यही ये छोटे छोटे एंगल, कोई भी बड़ा एंगल हो तो यहां पर आके मेरा रोटेशन खत्म होता है. सो यू सी दिस इज माय टर्मिनल साइड, दिस इज माय टर्मिनल साइड एंड यू सी that the rotation has happened in clockwise direction but doesn't matter and the terminal side of this blue angle, the terminal side of the blue angle lies in first quadrant. That is why I shall say the blue angle is in first quadrant. That is why I shall say the blue angle is in first quadrant. I hope you got it. Yes, okay. Sir. Okay. Yes, sir. Okay. Yes, sir. तो बेटे अगर मैं एक एग्जांपल लेते हैं, कोई अगर आपको पूछे 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट. बिकॉज आप जब 120 डिग्री बनाने जाओगे, बहुत बच्चों का मन में ये कंफ्यूजन होता है, बहुत बच्चे सोच लेते हैं कि सर अगर मैं यहाँ से 120 बनाऊँ तो ऐसा बनाऊँ तो ये तो आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में. अरे यस यस यस, मैं अभी बोला कि आप हमेशा रोटेशन कहाँ से शुरू करोगे बेटे? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से. बस तो ये मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से और मैं यहाँ से रोटेट करना शुरू कर रहा हूँ इनिशियल साइड और 120 डिग्री मतलब पक्का एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि एंगल का जो साइन है वो पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज मैं 120 डिग्री बनाऊंगा और जाहिर सी बात है कि मेरा एंगल का टर्मिनल साइड जो है वो आके लाइ करता है सेकंड क्वाड्रेंट में. दैट इज व्हाई माय क्वाड्रेंट माय एंगल इज इन सेकंड क्वाड्रेंट. आई होप यू गॉट इट राइट. यस सर. यस सर. ओके नाउ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड डोंट वरी इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड एट सम पॉइंट यू कैन वॉच द वीडियो अगेन एंड अगेन. वीडियो इज बीइंग रिकॉर्डेड राइट. यस थैंक गॉड. जरा सोचो अगर वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रहा होता. चलो फिर से करते थोड़ा तो हंसो भाई, जो किया ओके चलो मत हंसो. ओके ओके नाउ यू लेट मी इरेज इट. ओके हाँ मतलब घर में मुझे चीनी लाने के लिए बोलते हैं, मैं डाल लाके ले आता हूँ, ऐसा इंसान में हूँ. और ज़्यादा नहीं बोल सकता कितना बुल्लक करूँ, ठीक है. इसीलिए अगर कभी कभी मुझे क्लास का याद नहीं रहेगा मुझे बोल देना, ठीक है. ओके सो अभी आते हैं यूनिट सर्कल एक्सप्लेनेशन के ऊपर. आई होप अभी तक आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, क्योंकि अभी जो हम करने जा रहे हैं उसमें ये सारा कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे, एक के बाद एक सबको यूज़ करना पड़ेगा, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट वहाँ तक क्लियर होना चाहिए. ओके सो लेट मी फर्स्ट ड्रॉ यूनिट सर्कल हियर. Let me first. Okay. Now before I draw the unit circle, I think all of you know that if there is a right angle triangle and suppose this angle is theta, this is my perpendicular, this is my base, this is my hypotenuse. You see in America, in West,
they call the base adjacent. They call the base adjacent. So don't worry about it. If you hear the word anywhere, they call the base also adjacent. And why they call it adjacent? Because this side is adjacent to this angle. Adjacent मतलब लग के है, मतलब उसके उसके साथ join होके लग के. तो अमेरिका में उसको adjacent बोलते हैं. तो this is your base, this is your perpendicular, this is hypotenuse. And if I want to find the sine of this angle, all I have to do is divide the perpendicular by the hypotenuse. Opposite by hypotenuse. And cos theta base upon hypotenuse. Tan theta perpendicular upon base. Okay, so this we have to use also here. Okay, so let me now draw a unit circle for you. Okay. So okay, and let this be its x-axis. Let this be the x-axis. कौन इतना मैसेज भेज रहा है भाई? ओके, एंड लेट दिस बी द वाई एक्सिस. हेलो, सुन रहे हो तो? यस सर, यस सर, यस सर. दिस योर वाई एक्सिस. यस सर. ओके, ठीक है. ओके, और क्वाड्रेंट के बारे में तो बोलना है, मतलब ऑलरेडी पता है, ये क्यू वन, ये क्यू टू, थीटा नहीं भाई, क्यू वन, क्यू वन, क्यू टू, क्यू थ्री, क्यू फोर. और बेटे सब देखो, दिस इज माई यूनिट सर्कल, दिस इज माई यूनिट सर्कल, दिस इज ए यूनिट सर्कल. एंड वाई एम आई कॉलिंग इट ए यूनिट सर्कल? बिकॉज इट्स रेडियस, लेंथ इज वन यूनिट. ओके, सो लेट्स जस्ट कॉल इट वन. इट्स रेडियस इज, लेंथ ऑफ द रेडियस इज वन, राइट? लेट्स कॉल द लेंथ ऑफ द रेडियस वन. ओके, नाउ लेट्स से देयर इज ए लाइन हियर. सपोज मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एक थीटा एंगल घुमाऊं. कितना एंगल घुमाऊं बेटे? थीटा एंगल घुमाऊं, और घूम के आके यहाँ पर पहुंचे. पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा एंगल घूम के मैं यहाँ पर आके पहुंचा. दिस इज माय ओरिजिन, एंड दिस इज, सपोज दिस पॉइंट इज ए, एंड लेट मी जॉइन दिस पॉइंट, दिस पॉइंट बी. और मेरा जो ये एंगल बना है, थीटा एंगल बना है, इसका टर्मिनल साइड तो आप देख सकते हो ओए है. इसका टर्मिनल साइड ओए है, राइट? द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल इज ओए. टर्मिनल साइड इज इक्वल टू ओए. टर्मिनल साइड इज इक्वल टू ओए. इनिशियल साइड इज इक्वल टू ओ एक्स, हमेशा याद रखो. ओके, एंड ये जो पॉइंट, ये जो टर्मिनल साइड है, वो सर्कल को पॉइंट ए पर कट कर रहा है. नहीं, टर्मिनल साइड, टर्मिनल साइड इज कटिंग द सर्कल और इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट ए, पॉइंट ए पर कट कर रहे हैं. बेटे जो स्टेप पे नहीं समझ पाए बोलोगे. और देखो ये एक्स वाई, ओके, दिस इज एक्स वाई प्लेन. एक्स वाई प्लेन है. एक्स वाई प्लेन मतलब हर एक पॉइंट का, ये प्लेन में, ये जो ब्लैक बोर्ड में दिखा रहा हूँ आपको, ये ब्लैक बोर्ड में हर एक पॉइंट का एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा, एक वाई कोऑर्डिनेट होगा. तो चलो ये पॉइंट ए, चलो ये पॉइंट ए का एक्स कोऑर्डिनेट इज एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट इज वाई. सपोज पॉइंट ए का एक्स कोऑर्डिनेट इज एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट इज वाई. सो फार आर वी क्लियर, और एनीबडी हैज एनी डाउट्स? ओके 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 ओके. नाउ यू सी द पॉइंट, द पॉइंट एट व्हिच द टर्मिनल साइड ऑफ माई एंगल थेटा इज कटिंग द सर्कल is A, and its x coordinate is x, y coordinate is y. As you can clearly see here, length of the AB will be equal to what? Y, right? What will be the length of AB? Isn't it y? Yes sir. Okay. And yes, what sir. Is the length of OB? Isn't it x? Yes sir. Okay. And what is the length of OA? You see, OA is radius. OA is radius of the circle. OA is the radius of the circle, whose length we know is 1. So length of OA is 1, right? Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay.
Now, if I want to find, okay, now you see that in a triangle OAB, which is a right angled triangle. OAB is a right angled triangle. Yes. Okay. So OB is a right angled triangle. Okay. It's right angled triangle. Yes. Okay, yes. हाँ चलो ये नोटेशन हाँ ये ठीक है और लुक ओके लिख सकते हो ओ बी है चलो इन ओ बी है कोई चीज आओ राइट एंगल ट्राइंगल ओ बी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल जिसका ये जो बी एंगल है दैट इज 90 डिग्री ओके दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल राइट एंगल्ड ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल होने के वजह से अगर मैं ये एंगल थीटा का साइन निकालने जाऊँ मैं इस एंगल थीटा का साइन निकालने जाऊँ which we know is perpendicular upon hypotenuse और यहाँ पर perpendicular है AB hypotenuse क्या है बेटे OA yes sir and what is AB AB is Y and what is OA OA is 1 that means my sin theta is equal to Y right my sin theta is equal to Y इसका ये मतलब है ये जो पॉइंट ए है ये जो पॉइंट ए है इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है जिसको हम वाई लिखे हैं दैट इज ऑल्सो इक्वल टू साइन थीटा क्योंकि वाई इज इक्वल टू साइन थीटा हमें पता चल गया ये पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू साइन थीटा आई होप यू गॉट इट राइट यस सर ओके यस सर सिमिलरली cos थीटा इज इक्वल टू x यस नाउ इफ आई वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसाइन ऑफ द ऑफ दैट एंगल then it is simply base upon hypotenuse and what is base here is your yes what is base base is OB right OB yes sir OB upon OA and OB length of OB is x length of OA is 1 so this is x that cos theta is equal to x well what do we have here jo point A ka एक्स कोऑर्डिनेट मुझे पहले एक्स पता था अब पता चला कि दैट इज ऑल्सो इक्वल टू कोसाइन ऑफ दिस एंगल तो बेटे यहां से हम एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन वेरी वैल्यूएबल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन यहां से हमें मिला एंड व्हाट इज दैट इंफॉर्मेशन कि मैं थीटा एंगल घूमने के बाद ध्यान से सुनो मैं जो बोल रहा हूं थीटा एंगल घूमने के बाद एंगल का टर्मिनल साइड जो कि ओए है सर्कल को जिस पॉइंट पर कट कर रहा है जो कि ए है उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट इज ऑल्सो इक्वल टू कोसाइन ऑफ दैट एंगल फिर से बोल रहा हूं थीटा एंगल घूमने के बाद एंगल का टर्मिनल साइड ये टर्मिनल साइड है एंगल का टर्मिनल साइड सर्कल को जिस पॉइंट पर कट करता है उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट इज ऑल्सो इक्वल टू कॉस ऑफ दैट एंगल एंड उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट इज ऑल्सो इक्वल टू साइन ऑफ दैट एंगल आई होप यू गॉट इट यस सर गॉट इट यस सर ओके ओके नहीं नहीं अभी स्क्रीनशॉट नहीं लेना है क्योंकि मैं इसको आपको हाफ हाफ करके लेना है मतलब आधा आधा करके लो क्योंकि ये पूरा एक पेज में मैं रखना चाहता हूँ क्योंकि मैं मुझे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा ओके अभी नहीं लास्ट में करूँगा ठीक है ये मैं इरेज नहीं कर रहा हूँ ओके आई होप यू गॉट इट सो फार ओके यस सर हाँ ओके ठीक है इसका स्क्रीनशॉट ले जाओ चलो इसका ले जाओ चलो एक मिनट वन सेकेंड यस टेक इट या फिर थोड़ा और जूम करूं डन सर खुद कर ओके सर ओके ओके डन सर यस यस नाउ व्हाट डिड वी ऑब्जर्व व्हाट डिड वी ऑब्जर्व वी ऑब्जर्व दैट इफ आई हैव एन एंगल say alpha if I have an angle say alpha and if I have an I have a standard angle क्योंकि आप गलती से कुछ और सोच लोगे बेटा standard angle क्योंकि जिसका
इनिशियल साइड एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ध्यान दो ध्यान दो, इफ आई हैव अ स्टैंडर्ड एंगल, फिलहाल सारे एंगल स्टैंडर्ड एंगल होते हैं लेकिन मैं यूज कर रहा हूँ क्योंकि न्यू वर्ड है आपके लिए. इफ आई हैव अ स्टैंडर्ड एंगल से अल्फा एंड द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल इज कटिंग द सर्कल यूनिट सर्कल, यूनिट सर्कल इज कटिंग द यूनिट सर्कल एट ए पॉइंट पी, एट ए पॉइंट पी, बेटा यूनिट सर्कल है, यूनिट सर्कल खाली जे इधर उधर का सर्कल नहीं, सिर्फ यूनिट सर्कल के लिए, हाँ, एट पॉइंट पी देन एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ दैट एंगल एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट इज इक्वल टू साइन ऑफ दैट एंगल. हेलो, गॉट इट? यस सर. यस, तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. ओके, डन. ओके, यस सर. नो सर, बहुत तेरी का. अरे दिस इज देयर इन वीडियो. ओके, वीडियो वीडियो में है. ओके, और बेटे कोई चाहो तो इस स्क्रीनशॉट ग्रुप में शेयर कर सकते हो ताकि वो देख सके. ठीक है, स्कैन शेयर कर दो ग्रुप में. ओके ओके, नाउ यस, नाउ लेट्स कम बैक टू द मेन पॉइंट. सो दिस इज माई, अच्छा सर्कल नहीं बना. बना नहीं, इस साइड से छोटा हो गया. आज तेरी का, अरे ये बड़ा, चलो ठीक है, नहीं हो रहा है, क्लियरली नहीं हो रहा है. ये कहता है आप जो सेप बनाओगे उसको बना देगा. अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा. यस, छोड़ो, क्यों नहीं हुआ पता नहीं. ओके, चलो, दिस इज माय यूनिट सर्कल एंड दिस इज माय एक्स एक्सिस, दिस इज माय वाई एक्सिस. चलो नेक्स्ट टाइम इसको ठीक से बनाऊंगा. ठीक है, वाई एक्सिस इज माय नेगेटिव एक्स एक्सिस. और सपोज मैं एक एंगल बना रहा हूँ, ठीक है, सपोज एक एंगल बना रहा हूँ. ब्लू एंगल, जाहिर सी बात है हम रोटेशन तो शुरू कर रहे हैं कहाँ से बेटे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से. ये आपका इनिशियल साइड है, जाहिर सी बात है. और एंगल का जो रोटेशन का डिरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है. तो फिलहाल एक पॉजिटिव एंगल बन रहा है, जितना भी बड़ा हो बस पॉजिटिव एंगल बन रहा है क्योंकि रोटेशन का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है. तो सपोज ये एंगल अल्फा एंगल हम घूमें, लेट्स से दिस एंगल इज अल्फा, वट एवर कितना बड़ा हो आई डोंट केयर, एक रैंडम एंगल अल्फा. दिस ये जो एंगल अल्फा का जो टर्मिनल साइड है, ये जो ब्लू लाइन है, जो टर्मिनल साइड सर्कल को एक पॉइंट सपोज पी पर इंटरसेक्ट कर रहा है, सपोज एक पॉइंट पी पर सपोज इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये पॉइंट का एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा, एक वाई कोऑर्डिनेट होगा, है ना. ओके, और इस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ दिस एंगल अल्फा एंड दैट एंड द वाई कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू साइन ऑफ दिस एंगल अल्फा. ये जो ऑब्जर्वेशन से हमें पता चला, गॉट इट? हेलो, यस सर. ओके 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 ओके, आई थिंक यू गॉट इट राइट. सो ये एंगल का ये जो पॉइंट, तो आप मुझे पूछना चाहिए सर इतना 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 फार्स क्यों कर रहे हैं, तो हमें वैसे तो हमें ये मतलब इससे फायदा क्या हो रहा है, हमें इससे फायदा क्या हुआ बेटा, फायदा क्या हुआ? देखो फायदा ये हुआ, दुनिया का कोई भी एंगल हो, दुनिया का कोई भी एंगल हो, 1 लाख डिग्री हो, 1 करोड़ डिग्री हो, 1 बिलियन डिग्री हो, कोई भी एंगल हो, उसका अगर आपको बस कॉस या फिर साइन जानना है तो सिंपली आपको एक यूनिट सर्कल बनाना है, आपको एक यूनिट सर्कल बनाना है और वो एंगल है ना, वो एंगल घुमाओ 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 घुमाओ, जहाँ पर पहुँचा उसका टर्मिनल साइड, सर्कल को जिस पॉइंट पर कट कर रहा है उस पॉइंट का बस एक्स कोऑर्डिनेट मालूम कर लो, बहुत आसान है मालूम करना, दैट विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ दैट एंगल.
एंड वाई कोऑर्डिनेट जो मिलेगा दैट विल बिकम टू साइन ऑफ दैट एंगल. तो बहुत आसानी से मुझे कॉस ऑफ अल्फा साइन ऑफ अल्फा मिल जाएगा कि नहीं बेटे? हेलो यस सर. ओके 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 ओके. सो यू गॉट इट. नाउ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, दिस शॉट स्क्रीनशॉट ऑल्सो एंड लेट्स मूव ऑन. ओके लेट मी इरेज इट. ओके चलो कुछ आइडेंटिटी प्रूव करते हैं. पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू अल्फा. ओह गॉड प्लीज हो जा हो जा हो जा हो जा हो जा हो जा सर इज इक्वल टू अल्फा और 1. हां हां हो गया. यस हां क्या बोल रहे हो क्या बोल रहे हो क्या बोल रहे हो सर? यू सेड अल्फा इट इज 1 और अल्फा. क्या अल्फा? You said na sin square theta plus cos square theta is equal to alpha. It is 1 na? Achha, oh, slip of the tongue. Okay, yes, that is 1. Yes, slip of the tongue. Circle bhi ho gaya. Haan, circle bhi ho gaya na? Yes, yes, yes. Sir, itna bahut. Ye circle bahut achhe se hua hai. Haan, isi wo bhai. Haan, wo bhai. Haan, wo bhai ink to save main activate kar diya hu. Aaj matlab aapka class shuru hone se aadha ghanta pehle maine laptop on kiya aur iska sara feature dekha. एक देखा इंक टू सेप एक फीचर है इस व्हाइट बोर्ड का, तो उसको मैंने एक्टिवेट कर दिया हूँ. तो मैं अगर एक अच्छा सा सेप बना दूंगा वो उसको परफेक्ट सेप कर देगा. ओके ओके सो बट स्ट्रेट लाइन सेम नहीं हुआ सर. अरे भाई स्ट्रेट लाइन के लिए हाँ सुनो सुनो, स्ट्रेट लाइन के लिए रूलर चाहिए. यहाँ पर रूलर है लेकिन ये रूलर को कैसे इस्तेमाल करते हैं मुझे मालूम नहीं. जब मालूम कर दूंगा तब आपको बता दूंगा, ठीक है? अभी तो मालूम नहीं फिलहाल, क्योंकि आपका क्लास का टाइम जो हुआ इतना बस मालूम कर लिया. अरे बूढ़ा आदमी हो क्या, 30 साल हो गए आपकी तरह थोड़े ना जवान है, आप बहुत सारे सीख जाएंगे इतने जल्दी. 20 साल है आप बूढ़े नहीं हुए. अरे अरे मैं 30 अरे 30 और 16 30 साल हो गया मुझे. 20 साल नहीं 30 साल. सॉरी है सॉरी है. अरे 20 साल का लड़का आपको पढ़ाएगा ये सारे? वो खुद ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं क्या होगा? नहीं मैं आई एम 30 इयर्स ओल्ड. आई एम 30 इयर्स ओल्ड. होता हमारा दोस्त ही हमें पढ़ा लेता. हां सर वैसा होता तो हमारा दोस्त ही पढ़ा लेता हमको. हां यस यस चलो ओके चलो ओके हां तो कंटिन्यू करते हैं. ओके तो मैं सपोज थीटा एंगल घूमने के बाद यहां पर पहुंचा हूं और आपको जैसे कि आपको पता चल चुका होगा, मैं नामकरण कर देता हूँ. ये पॉइंट का नाम है ओ ए, ये पॉइंट का नाम है बी, ये पॉइंट का नाम है ओ. और सपोज पॉइंट ए का एक्स कोऑर्डिनेट एक्स से वाई कोऑर्डिनेट वाई है, और जैसे कि आपको पता चल गया होगा कि एक्स इज ऑलरेडी इक्वल टू कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू साइन थीटा. और बेटे ये लेंथ आपको तो पता है वाई है और ये लेंथ है एक्स है. आई होप यू गेट इट. नाउ इन द राइट एंगल ट्रायंगल ए बी ओ, इन द राइट एंगल ट्रायंगल ए बी ओ अकॉर्डिंग टू पाइथागोरियस रूल, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरियस रूल, पाइथागोरियस रूल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपरटेन्यूज स्क्वायर, राइट? एंड द हाइपरटेन्यूज हियर इज 1. दैट इज परपेंडिकुलर मीन्स वाई का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, राइट? बिकॉज you see x square plus y square, what is x? x is base ka square plus y is perpendicular ka square is equal to hypotenuse ka square means 1 ka square is equal to 1. hypotenuse ka length 1 hai because this is a unit circle, this is a unit circle. yes sir. okay ab bete main ye x ke jagah cos theta dal deta hu because we know that x is equal to cos theta. x ke jagah agar cos theta dala to cos theta ka square matlab cos square theta, और y के जगह अगर साइन थीटा डाला तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. गॉट इट? यस सर. यस सर. और इसी यस और इसी से आप बाकी जो दो है cos x स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसी से डिराइव हो जाएगा. गॉट इट? ये था एक डेरिवेशन. ओके नाउ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. यस सर. नाउ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. डन? Yes sir, done. Yes sir, done sir. Oh, oh, okay. So let's move on. Now let's prove odd and even property of
trigonometric functions. Or actually, trigonometric values of negative angles. जो कि मैंने आपको पढ़ाया था साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, वो वाले डिस्कस करेंगे, वो वाले हम प्रूव करेंगे, ठीक है, प्रूव करेंगे. तो लेट मी ड्रॉ द यूनिट सर्कल वंस अगेन. तरीका देखो चप्पा हो गया है. रेडी. चलो, एंड दिस इज माई एक्स एक्सिस एंड दिस इज माई वाई एक्सिस. चलेगा ना, एडजस्ट कर लो, ये थोड़ा स्ट्रेट लाइन है ना भाई. हाँ स्ट्रेट लाइन है यार, चलो एडजस्ट कर लो. ओके ओके. तो यू सी, सपोज मैं ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में घूम के थीटा एंगल बनाया और क्लॉकवाइज में घूम के माइनस थीटा एंगल बनाया. ऑब्वियसली मतलब वही मैग्नीट्यूड का, सेम मैग्नीट्यूड, बस माइनस इसीलिए लगा रहा हूं क्योंकि क्लॉकवाइज घुमा हूं. गॉट इट? यस सर. सेम मैग्नीट्यूड, बिल्कुल सेम मैग्नीट्यूड. ओके. और सपोज ये पॉइंट जो P है, सपोज ये पॉइंट का नाम मैं P देता हूं और ये पॉइंट का नाम मैं Q देता हूं. और जैसे कि बेटा देख सकते हो, ये पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल टू व्हाट? cos थीटा. एंड y कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल टू sin थीटा. ऐसा क्यों बेटा? क्योंकि टर्मिनल साइड उस पॉइंट पर कट कर रहा है और उसका x कोऑर्डिनेट होगा cos थीटा. ओके, गॉट. पॉइंट Q जो है, पॉइंट Q का x कोऑर्डिनेट क्या होगा? cos ऑफ माइनस थीटा. ऐसा क्यों होगा बेटे? क्योंकि एंगल का वैल्यू है माइनस थीटा ना. एंगल थोड़ी ना, एंगल अभी माइनस थीटा है ना बेटा. एंगल माइनस थीटा, माइनस थीटा इज द एंगल एंड दिस इज OQ इज द टर्मिनल साइड. लेट मी टेल यू वंस अगेन, माइनस थीटा इज द एंगल हुज टर्मिनल साइड इज OQ व्हिच इज कटिंग द सर्कल एट पॉइंट Q. दैट्स व्हाई द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ दैट एंगल. एंड व्हाट इज दैट एंगल? माइनस थीटा. And the y coordinate which will be equal to sine of that angle, which is equal to minus sine. I hope you got it. Hello? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. And let me tell you, thodi der ke liye, let's say cos theta ka value x hai aur y sine theta ka value y. Matlab is point ka x coordinate is x and y coordinate is y. Kya aap mujhe point Q ka एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट उस हिसाब से बता सकते हो? देखो बेटे ध्यान दो, माइनस एक्स माइनस वाई. माइनस एक्स किए से कहिला कोई लुटी के मते तो नाडे टी कोई लुटो देवी पिटी देवी जंट ना सर. एक्स माइनस वाई. हां एक्स माइनस वाई देवी पिटी देवी जंट ना. हां ये एक्स माइनस वाई होगा है ना बेटे. हां इसको अगर मैं ज्वाइन कर लूं है ना. हां ये देखो, यहाँ पर आपका y होगा और यहाँ पर आपका माइनस वाई होगा और यहाँ पर तो x ही होगा. गॉट इट? ओके. यस सर. ओके. यस सर. यस सर. तो चलो बेटे कंपैरिजन. ओके चलो बेटे कंपैरिजन करते हैं ना. इसका मतलब x इज इक्वल टू आवर cos थीटा एंड y इज इक्वल टू आवर sin थीटा. ऐसा क्यों है बेटे? क्योंकि भाई पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट बदल थोड़ी ना जाएगा. एक ही पॉइंट का एक ही कोऑर्डिनेट होता है कि नहीं? या पॉइंट का 10-10 कोऑर्डिनेट होता है, एक ही कोऑर्डिनेट होता है ना. हाँ तो x इज इक्वल टू कॉस थीटा, y इज इक्वल टू साइन थीटा. सर हाँ यस यस सर, आपने यहाँ पर जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो लिया है x, ये तो नहीं होना चाहिए ना माइनस एक्स माइनस वाई. माइनस एक्स क्यों होगा? देखो ये बात पॉजिटिव x एक्सिस पर है. देखो पॉजिटिव x एक्सिस से प्लॉट कर रहे हो ना आप. प्लॉट कैसे कर रहे हो आप? प्लॉट कैसे? जब आप प्लॉट करते हो, सपोज यहाँ पर 3 होता है और यहाँ पर माइनस 2 होता है, तो ये पॉइंट क्या होता है बेटे? 3 कमा माइनस 2 है ना बेटे. गॉट इट? ओके 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 ओके. लेट मी इरेज इट. हाँ यस. तो हाँ
तो अभी ये जो पॉइंट क्यू का, पॉइंट क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स व्हिच इज ऑल्सो इक्वल टू व्हाट, कॉस ऑफ माइनस थीटा. पॉइंट क्यू का वाई कोऑर्डिनेट इज व्हाट, माइनस वाई, राइट, व्हिच इज ऑल्सो इक्वल टू साइन ऑफ माइनस थीटा. गॉट इट? यस सर. नाउ लेट्स मेक ए कंपैरिजन. नाउ लेट्स मेक ए कंपैरिजन हियर. सी फ्रॉम दिस ब्लू बॉक्स, जो ब्लू बॉक्स मैंने बनाया हूँ, आप उससे देख सकते हैं दोनों का लेफ्ट लेफ्ट एक्स एक्स है, इसका मतलब राइट भी दोनों का इक्वल होगा ना, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस माइनस थीटा होगा ना. हेलो. यस सर. यस सर. यस सर. यस सर. ओके. यस सर. ओके. और बेटे इस ये जो बॉक्स मैं अभी बना रहा हूँ, ये जो बॉक्स मैं बना रहा हूँ, इस बॉक्स से आप पता कर सकते हो कि जो आपका साइन माइनस थीटा है, साइन माइनस थीटा है, दैट इज इक्वल टू माइनस वाई. एंड व्हाट इज वाई? वाई इज इक्वल टू साइन थीटा, दैट मीन्स इट इज माइनस साइन थीटा, इजंट इट? इजंट इट? यस सर. यस सर. यस सर. सो साइन माइनस थीटा, यस, सो साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा. प्रूव्ड, राइट? यस सर. यस सर. ओके. रिमेंबर दीज प्रूफ्स आर नॉट गोइंग टू कम इन योर एग्जाम. ये आपके सिलेबस में नहीं है इनका प्रूफ, बस आपको आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए. नाउ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. यस सर. हो गया. ओके. ओके. लेट मी इरेज इट. ओके. डन सर. हाँ. ओके. ठीक है. बस अभी हम कुछ लास्ट, बस 15 मिनट लगेगा, लास्ट ऑब्जर्वेशन हम देखेंगे. आधा आधा पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया, बस लास्ट ऑब्जर्वेशन बचा है. नहीं लास्ट नहीं, और उसके बाद एक बचेगा. चलो मैं देख देता हूँ आज, क्योंकि इतना पेशेंस आपका नहीं होगा. चलो ठीक है, इसको देख लेते हैं. मेरा पेशेंस है. ओके. मुझे तो बोलोगे तो मैं रात 12 तक पढ़ाऊंगा, लेकिन आपका पेशेंस. सर सर सर. मैं आपके साथ पढ़ने के लिए राजी हूं. सर मैं भी. हां मैं क्या बोल रही हूं. हां यस बोलो. तो मैं जो कल का डाउट था सर, थोड़ा आज कर देंगे ना. कौन सा, कौन सा? सर वो वाला जो क्वेश्चन बोल रही थी. अरे कौन सा क्वेश्चन बोलो मुझे, देखो अभी. सर वो जो या फिर मैं काम करता हूँ, उसको कॉपी में करके आपको भेज दूंगा. ठीक है? तीन क्वेश्चन है. तीन ठो. ठीक है ठीक है ठीक है. हाँ एक्चुअली आप यही करना चाहिए आप, एक्चुअली आप लोगों को आप ये करो कि आप अपना क्वेश्चन को ग्रुप में शेयर करो और खुद एक दूसरे के प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, ताकि एक क्वेश्चन दूसरे को मालूम चल जाए दूसरा कर दे. और बेटे पोस्ट करने से पहले दो बार चेक करके पोस्ट करो, कहीं गलती अगर ना की हो उसको थोड़ा देख के पोस्ट करो, है ना. नहीं तो मेरा नहीं तो क्या. ओके. एक मिनट उसको नहीं तो ये, लेकिन चेक करके भेजिए. ओके. ओके. सो चलो. सर्कल अच्छा नहीं बना, बड़ा दुख हुआ. दो बार बनाया फिर भी नहीं बना. चलो क्या करें, एडजस्ट कर लेते हैं. बेटे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ अभी सीख. ओके. चलो एक वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम सीखते हैं अभी. बेटे देखो, दिस इज माय यूनिट सर्कल, राइट? दिस इज माय यूनिट सर्कल. और यूनिट सर्कल होने के कारण इसका रेडियस का लेंथ है 1 यूनिट. मतलब ये सपोज ओ है और ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, तो ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा? इजंट इट 1,0? एक्स कोऑर्डिनेट विल बी 1 एंड वाई कोऑर्डिनेट विल बी 0, बिकॉज द लेंथ ऑफ ओ ए इज इक्वल टू 1. द लेंथ ऑफ ओ ए इज इक्वल टू 1, दैट्स वाई, राइट? बिकॉज द रेडियस इज 1. एंड B का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा बेटे? 0,1, राइट? बेटे देखो, x एक्सिस के ऊपर जितने सारे पॉइंट होते हैं उनका y कोऑर्डिनेट 0 होता है,
एंड वाई एक्सिस के ऊपर जितने सारे पॉइंट होते हैं, अब तेरी का, हाँ यस चल रहा है, चल रहा है, थैंक गॉड, हाँ यस, और वाई एक्सिस के ऊपर जितने सारे पॉइंट होते हैं उनका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होता है, दैट्स इट। सी का एक्स कोऑर्डिनेट बेसिक नेगेटिव होगा, माइनस वन कमा जीरो, माइनस वन जीरो। डी का जीरो कमा माइनस वन, जीरो कमा माइनस वन, ओके जीरो कमा माइनस वन, ओके। नाउ लेट्स राइट ए डेफिनेशन फर्स्ट, लेट्स राइट ए डेफिनेशन फर्स्ट। क्वाड्रेंटल एंगल, क्वाड्रेंटल एंगल, व्हाट इज ए क्वाड्रेंटल एंगल? रिमेंबर एन एंगल हुज टर्मिनल साइड, हुज टर्मिनल साइड लाइज ऑन एनी ऑफ द एक्सिस, लाइज ऑन एनी ऑफ द एक्सिस, लाइज ऑन एनी ऑफ द एक्सिस, एनी ऑफ द एक्सिस, प्लूरल लिख रहा हूँ बेटे, यस, एनी ऑफ द एक्सिस इज कॉल्ड ए क्वाड्रेंटल एंगल, इज कॉल्ड ए क्वाड्रेंटल एंगल। अरे कौन इतना मैसेज दे रहा है? अच्छा मेरा बहन, ओके हाँ। तो ओके, तो क्वाड्रेंटल एंगल क्या होता है कि कोई भी एंगल का टर्मिनल साइड अगर किसी एक्सिस पर आके रुक जाए, कोई भी एंगल का टर्मिनल साइड किसी एक्सिस पर आके अगर रुक जाए तो जो एंगल क्रिएट होगा वी शैल कॉल दोज एंगल्स क्वाड्रेंटल एंगल्स। एग्जाम्पल 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एट्सेट्रा, प्लस और माइनस लिख देता हूँ क्योंकि अगर क्लॉकवाइज में आओगे भी ये सारे आके इनके टर्मिनल साइड आपके रह जाएंगे एक्सिस पर। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ बेटे, यू सी दिस इज माय एक्स एक्सिस, दिस इज माय वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, और बेशक मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही घूमना शुरू करूंगा अबाउट द वर्टेक्स। एंड सपोज मैं एक एंगल घुमा 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 आके यहाँ पर पहुँच गया, मेरा टर्मिनल साइड जो है वो अभी एक एक्सिस पर लाई कर रहा है, कौन सा एक्सिस पर? पॉजिटिव वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है। तो ये जो एंगल क्रिएट हो रहा है व्हिच वी नो ए वेरी वेल नोन एंगल 90 डिग्री इज कॉल्ड अ क्वाड्रेंटल एंगल। अगर कोई भी एंगल का टर्मिनल साइड आके वाई एक्सिस मतलब कोई भी एक्सिस पर पहुंच जाए उसको बोलेंगे क्वाड्रेंटल एंगल। सपोज ये एंगल आके हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस पर उतर आया, दिस इज 180 डिग्री। ये जो एंगल का अभी टर्मिनल साइड क्या है बेटे? नेगेटिव एक्स एक्सिस है ना, नेगेटिव एक्स एक्सिस, दिस इज ऑल्सो ए क्वाड्रेंटल एंगल। सपोज मैं इसे घूम के यहाँ पर आके पहुंच गया, सो नाउ दिस इज माई टर्मिनल साइड, और ये जो एंगल होगा 270 डिग्री दिस इज ए क्वाड्रेंटल एंगल क्योंकि इसका टर्मिनल साइड जो कि ब्लू लाइन है नेगेटिव एक्स, ओके ऐसे आप समझ सकते हो 360 डिग्री आगे आप जा सकते हो, गॉट इट? यू कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, ओके। उसी तरह बेटे क्लॉकवाइज में भी, यस उसी तरह बेटे आप क्लॉकवाइज में भी देख सकते हो। अगर क्लॉकवाइज में आपको घूमना है, घूमना है तो जैसे भी घूमो, कौन मना कर रहा है? तो मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा एक्स डैश, ये मेरा वाई और ये मेरा वाई डैश। सपोज मैं इसे क्लॉक वाइज में घुमा 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 यहाँ पर आके पहुँच गया, तो मैग्नीट्यूड इज 90 डिग्री बट आई विल पुट ए नेगेटिव साइन इन फ्रंट ऑफ इट बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन व्हिच इज क्लॉक वाइज। और ये एंगल जो बना है इसका जो टर्मिनल साइड अभी नेगेटिव वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है, दैट इज वाई दिस इज ए क्वाड्रेंटल एंगल। ऐसे ये माइनस 180, माइनस 370, माइनस 360 आप इमेजिन कर सकते हो, गॉट इट? सो दीज आर कॉल्ड क्वाड्रेंटल एंगल्स, दीज आर कॉल्ड क्वाड्रेंटल एंगल्स। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट हियर, अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट हियर, क्वाड्रेंटल एंगल्स डू नॉट बिलोंग टू एनी ऑफ दी
क्वाड्रेंट्स, क्वाड्रेंटल एंगल कोई भी क्वाड्रेंट में नहीं होते हैं। बेटे देखो, मैंने आपको बताया था कि आपको कैसे पता चलेगा कौन से एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है। बस आप ये पता करो कि एंगल का टर्मिनल साइड कौन से क्वाड्रेंट पर है। जैसे कि सपोज ये एंगल अल्फा का टर्मिनल साइड अभी थर्ड क्वाड्रेंट में है, दैट इज व्हाई आई से दिस एंगल अल्फा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। बट लेट्स ड्रॉ अ क्वाड्रेंटल एंगल। सपोज मैं एक क्वाड्रेंटल एंगल बना रहा हूँ, यहाँ से घूमना शुरू किया, आके यहाँ पर पहुँच गया, दिस इज माई टर्मिनल साइड, एंड इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द क्वाड्रेंट ऑफ माई एंगल व्हिच इज 90 डिग्री, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द क्वाड्रेंट ऑफ माई एंगल व्हिच इज 90 डिग्री, फर्स्ट थिंग आई नीड टू एस्टैब्लिश इन व्हिच क्वाड्रेंट माई टर्मिनल साइड इज इन। बट यू सी द टर्मिनल साइड इज ऑन एन एक्सिस, and I told you from the very beginning that axes are not part of any quadrant. Axes कोई भी quadrant का part नहीं होते हैं। तो terminal side अभी कोई भी quadrant में नहीं है, वो एक axis पर है, इसका मतलब angle भी कोई quadrant पे नहीं है। I hope you got it. Yes sir. Yes. Okay. Yes sir. Okay, okay. Yes sir. Okay, now you can take the screenshot. Yes, yes, yes. Now you can take the one second. अरे बाबा इतना लंबा हो गया, लंबा खींच दिया, चलो ले जाओ ले गए। ओके अच्छा, और पैसे से हेलो सर, यू नीड टू टेक सम रेस्ट। नहीं नहीं, मुझे रेस्ट की नहीं, आई डोंट नीड टू टेक एनी रेस्ट। एक्चुअली आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ फन। एक्चुअली आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ फन, यू नो व्हाई? बिकॉज़ आई एम नॉट इनटू दिस प्रोफेशन फॉर द सेक ऑफ मनी। Because if I had wanted money, then I had other ways of making a lot of money, huge amount of money I could have made. But मैं इस profession में इसीलिए हूँ because this is my passion. मुझे मज़ा लगता है पढ़ाने में और I am having fun. Don't worry about it. आप लोग मुझे कोई भी inconvenience नहीं दे रहे हैं, don't worry about it. Okay. So बस आपका patience. हाँ yes. Sir, quadrantal angle doesn't belong to any quadrant. Then why they are called quadrantal angles? इसीलिए तो, नहीं तो उनको क्वाड्रेंट एंगल बोलते, क्वाड्रेंटल एंगल क्यों बोले, इसी वजह से। गॉट इट? कोई और कोई कारण नहीं है, और कोई कारण नहीं है। देखो क्या हो रहा है, मैं जब प्लस टू में पढ़ रहा था तो हमारे बीजेवी कॉलेज में एक प्रोफेसर थे, ठीक है, केमिस्ट्री प्रोफेसर। तो उनको एक बार एक बच्चा पूछ लिया कि सर ये बॉयल्स लोग को बॉयल्स लोग क्यों बोलते हैं, ठीक है, सर्कल हो गए। हाँ ये सर्कल हो गया, यस। तो सुनो मेरे पास सुनो, तो वो मेरा दोस्त जो है वो प्रोफेसर को पूछा, सर ये बॉयल्स लॉ को बॉयल्स लॉ क्यों बोलते हैं, जो गैसियस लॉ है ना आपके, बॉयल्स लॉ को क्यों बोलते हैं। तो प्रोफेसर ने बोले, बेटा तेरा नाम क्या है, मुझे उसका नाम याद नहीं, जो भी है सब रघु है, तो तेरा नाम रघु क्यों है। अरे भाई देखो, टीचर को जब 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 पता नहीं चलता है कि इसका नामकरण क्यों ऐसा हुआ है, तो टीचर क्या करेगा, थोड़ा घुमा फिरा के बोल देगा ताकि स्टूडेंट चुप हो जाए। मेरा बात समझ रहे हो ना? यस सर। बस यही हमारा टैक्टिक होता है ना। हालांकि मैं ये टैक्टिक कभी अपनाता नहीं हूँ, मैं बोल देता हूँ कि बाद में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी क्वाड्रेंटल एंगल इसको क्यों बोलते हैं इसका कोई रीजन नहीं है, ये मैं श्योर हूँ। कोई भी क्वेश्चन का अगर आंसर मुझे नहीं मिलेगा, मैं नेक्स्ट दिन उसका आपको बताऊंगा या फिर एक हफ्ते के बाद बताऊंगा, लेकिन घुमाऊंगा नहीं। आज क्लास यहीं तक रखते हैं। यहीं तक रख दें? हाँ सर। यस सर।